खैरियत से होंगे। आज हम मटर आलू पुलाव बना रहे हैं। जो इसमें डलेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है। मसालों में जाएंगे एक तेज़ पत्ता जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, एक बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, 8-10 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, पिसा हुआ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 10 हरी मिर्चें बारीक वाली कट कर ली हैं हमने, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मटर फ्रोज़न है हमारे पास, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, थोड़ा सा हमारे पास धनिया है, लाल मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये इसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज थोड़ी सी फ्राई होंगी, तो इसमें हम सारे मसाले और टमाटर डाल देंगे, टमाटर हरी मिर्चें डाल देंगे। प्याज गोल्डन हो रही है, अब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम मटर डालेंगे। सारे मसाले हम डाल रहे हैं। टमाटर हमारे थोड़ा सा हम इसमें थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम आलू मटर शामिल करेंगे। आलू मटरों को हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हम धनिया भी डालेंगे। इस वक्त मेरे पास पुदीना मौजूद नहीं है, आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मटर आलू गल जाएं, और ढक्कन लगा कर 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा मसाला आलू भुन चुके हैं, आलू मटर बिल्कुल घी छोड़ दिया है आलू मटर ने। हमने 10 मिनट तक इन्हें भुना है। अब इसमें हम चावलों का पानी ऐड करेंगे, और ये चावल हमने बासमती 1 प्याली ली है और हमने इसे भिगो कर रख दिया है। अब इसमें हम चावलों का पानी शामिल करेंगे। घी छोड़ दिया है आलू मटर ने, अब इसमें चावलों का पानी शामिल करके 1 प्याली हमारे चावल है, 3 प्याली हम पानी डाल रहे हैं। 3 प्याली हमने पानी डाल दिया है। अब ये पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम चावल शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। 3 प्याली हमने पानी डाला है, 1 प्याली हमारे चावल है, अब ये हम चावल ऐड कर रहे हैं। चावल ऐड करेंगे हम। चावल ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को पानी खुश्क होगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारे चावल दम पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावलों से। अब इसको हम दम पर लगा देंगे।
थोड़ा सा धनिया हम ऊपर से गार्निश करेंगे। इसको 10 मिनट का हम दम लगाएंगे। आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। 10 मिनट के दम के बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आलू मटर के पुलाव को दम आ चुका है, हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, जिस तरह से चाहें आप खाएं, प्याज के लच्छों के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।